देश में इस वक्त चुनावी और क्रिकेट का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की हलचल दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल का क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैच खेला गया, जिसमें एक अलग दृश्य देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 26वें मुकाबले के लिए इकाना स्टेडियम खचाखच भरा रहा। होम टीम लखनऊ टीम के फैंस की भारी तादाद दिखी, जो अपनी टीम के लिए चीयर करते नजर आए, लेकिन इस दौरान एक अलग नजारा भी दिखा। दरअसल कुछ फैंस स्टेडियम में बीजेपी के समर्थित नारे वाले बैनर को लेकर पहुंचे। लखनऊ और दिल्ली के बीच खेले गए इस आईपीएल मैच में बीजेपी समर्थकों ने अब की बार 400 पार का बैनर लहराया। सोशल मीडिया पर इसके फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चुनाव प्रचार, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अब की बार 400 पार का बैनर लहरा रहे हैं। इनमें से एक फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही है। इनमें कुछ फैंस उन्नाव से भी रहे। आपको बता दें कि भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार को अपना नारा बनाया है। पीएम मोदी समेत तमाम भाजपा नेता चुनाव प्रचार और रैलियों में इस नारे को दोहरा रहे हैं।